नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य पर। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने दुश्मनों से बच सकते हो। जो इंसान आपको मारने तक की धमकी दे दे, जो इंसान आपको भला कभी ना चाहे, उस इंसान से कैसे बचें। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ दुश्मन का एक्सीडेंट करवाने का एक बहुत ही ज़्यादा खास टोटका, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब ही करें जब आपको पूरी तरह से प्रूफ हो कि ये इंसान है जिसने मेरा बुरा किया है, जिसने मेरे घरवालों का बुरा किया है, जो मुझे मारने की धमकी देता है। तो देखिए, जब तक आप इस उपाय का टोटके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक क्रिया है ना, ये वो क्रिया है जिसका इस्तेमाल अगर कोई एक बार कर लेता है वो सफल जरूर होता है, उसके कार्य सफल होते हैं, उसके काम बनते हैं। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल करना कैसे होगा वो सही तरीके से जानना होगा। अब आज की वीडियो में दिया गया टोटका दुश्मन का एक्सीडेंट जरूर होगा, सिर्फ आपको एक टोटका अपनाना होगा। ये टोटका बहुत भयंकर कहा जाता है और इससे बहुत अच्छी, बहुत ही कम समय में सिद्धि मिलती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर पहली बार पहुंचे हैं प्राचीन मंत्र रहस्य चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आगे आज के समय में आप कोई दिया लेकर भी निकलेंगे ना, तब भी आप ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाओगे जो अच्छे होंगे। किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई दुविधा जरूर होती है, जो हर वक्त यही सोचता है कि पहले मेरा भला हो, उसके बाद दूसरा सोचेंगे। कोई भी पहले नहीं सोचेगा कि दूसरों का भला होना चाहिए, मेरा होना हो, क्योंकि दुनिया है और इस दुनिया में तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि जो इंसान आपको परेशान करने लगे, आपकी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाए, जो आपको परेशान करे, आपके बिजनेस में परेशानी, आपके घर परिवार में परेशानी, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ दुश्मन है, आपके प्यार में दुश्मन है। अब इन दुश्मनों से बचने के लिए आज मैं आपको जो टोटका बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र अपने कोई कागज ले सकते हैं, अगर भोजपत्र नहीं मिलता तो आपने उसके ऊपर क्या करना होता है, जो भी कोई इंसान है जो आपको बुरा कर रहा है उसका नाम लिख दें। नाम लिख लेने के बाद आपने क्या करना, वो एक मंत्र का जाप करना, बहुत आसान और कारगर मंत्र कहा जाता है ऐसे। तो आपने जो मंत्र लिखना है उस पर आपने लिखना ओम श्री भैरवाय नमो नमः, इस मंत्र को लिखो। आप ये मंत्र जैसे ही आप लिख देते हैं, आपने क्या करना है, कोई भी आसपास में कोई ऐसा आपने चीज़ देखनी है जो किसी की छूट गई हो, जैसे कोई कील पड़ी हो, कोई वस्त्र पड़ा हो, तो ऐसी चीज़ लेनी है जो किसी इंसान की छूट गई हो, उनसे रह गई हो वहाँ पर, या फिर उनसे गिर गई हो, कोई ऐसी चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी। आप अगर रहा अगर चलेंगे तो आपने कोई भी चीज़ हो वो उठा कर लेकर आनी है और उसे ले जाकर शमशान में जाना, और शमशान में जाकर आपने इस कागज़ को उसमें फोल्ड करके वहीं पर दफन कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी कोई इंसान होगा ना जिसको भी आप परेशान करना चाहते हैं, जो इस भी इंसान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका नाम 7 बार बोलकर अपने मंत्र बोल देना हो। बस इतना सा काम करना होगा, आसान विधि है। अगर ये विधि आपको इंसान अपनाता है, प्राचीन काल की विधि, तो वो इंसान सफल जरूर होता है। एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें, आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद भक्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।